जो अभी हमारी वैकेंसी होनी है, जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उसमें 335 सब इंस्पेक्टर भर्ती होने हैं इस साल। 335 वैकेंसी का रिक्वायरमेंट हमने SEC को दिया हुआ है। अगले साल जो 2023 में हमारी सिपाही की भर्ती होनी है, कांस्टेबल की भर्ती होनी है, उसमें अभी तक का जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसमें हम जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हो जाते हैं, जो रिटायर्ड हो जाते हैं उसकी वैकेंसी ऐड करते रहते हैं। तो एट प्रेजेंट 4300 के आसपास, 4300 के आसपास हमारी वैकेंसी है कांस्टेबल की। लेकिन अगर उस 2023 तक जाते जाते ये वैकेंसी बढ़ जाएगी तो लगभग 5000 के आसपास कांस्टेबल की भर्ती होगी, और 335 जैसा कि मैंने बताया सब इंस्पेक्टर की भर्ती है, और 777 जो MTS की वैकेंसी है। तो आपको बताया गया है कि 2023 में दिल्ली पुलिस रिक्रूटमेंट करेगी अराउंड 4300 कांस्टेबल्स। तैयारी अभी से ही शुरू करें क्योंकि इसमें आपको हाईएस्ट मेंटल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स का होना बहुत जरूरी है। बहुत कॉम्पिटिटिव है दिल्ली पुलिस, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए सबसे बढ़िया लोग ही यहाँ पर आएंगे। तो मैं आपसे कहूंगी कि इसके लिए तैयारी अभी से ही शुरू कर दें, सो दैट यू आर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड दिल्ली पुलिस। 335 हमारी जो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्ट है वह अभी ही शुरू हो रही है, उनका 10 अगस्त से इनका फॉर्म निकलेगा, तो लुकआउट फॉर दैट। और जैसे ही फॉर्म निकले पूरा उसमें डिटेल्स होंगे सिलेबस के, टेस्ट्स के, क्या कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको बारीकी से अध्ययन करें, फॉर्म में बिल्कुल गलती ना करें और झूठ ना लिखें, गिव द इंफॉर्मेशन करेक्टली एंड राइटली। तो उसमें कुछ भी अगर बाद में अगर निकलता है तो वो आपके लिए भारी पड़ता है। तो ये था हमारा आज का आस्क।